दिस वीडियो जस्ट स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। इग्नू एग्ज़ाम की तैयारी कम समय में करने के लिए आप नीरज का गाइड बुक परचेज कर सकते हो। इग्नू स्टूडेंट के लिए यहाँ एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप नीरज का गाइड बुक परचेज करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारा प्रोमो कोड जो कि है CU2023 अगर आप पेमेंट पेज पर यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com पर जाकर परचेज करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो इस ऑफर का जल्दी फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके न परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू री रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इग्नू के अंदर जो री रजिस्ट्रेशन होता है वो होता क्या है, और इसको आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली री रजिस्ट्रेशन किसको कराना ज़रूरी होता है, किसको नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि जब आप इग्नू के अंदर न्यू एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद आपका आईडी कार्ड आ जाता है। जब आप एडमिशन ले लेते हो तो आप उस फर्स्ट ईयर जिसमें आपके दो सेमेस्टर होते हैं, या एनुअल ईयर यानी जिसमें आपका एक साल एक बार आप पेपर देते हो, तो उसके बाद जब आप पेपर देते हो तो उसी के बीच इग्नू आपके री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करता है। तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले एडमिशन लिया था बट अब उनको दोबारा से एडमिशन लेना होता है अगले ईयर के लिए। मतलब कि मान लीजिए मैंने न्यू एडमिशन लिया इस साल, मैंने एडमिशन लिया जनवरी में, ठीक है, या मान लीजिए मैंने जुलाई में एडमिशन लिया, तो ऐसी कंडीशन में जनवरी वालों का जो री रजिस्ट्रेशन होगा वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मुझे सेकंड ईयर के लिए दोबारा से अपने आपको रजिस्टर करना होगा इग्नू के पोर्टल पर, फीस भी मुझे पे करना होगा। मतलब कुल मिला के बात है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं होंगे, सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे नेक्स्ट ईयर के, फीस पे करोगे, सब कुछ करोगे। तो री रजिस्ट्रेशन क्या कराना ज़रूरी है? यस, री रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है अगर आप अगले सेमेस्टर या अगले ईयर में जाना चाहते हो और पेपर देना चाहते हो, तो आपको री रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी रहेगा, अनिवार्य रहेगा। किस किस को कराना है? तो अभी जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया उनको भी कराना है, और जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है उनको अगले साल जाके कराना है जून में, ठीक है, वो मैं बता दूँ आने वाले टाइम पे। और री रजिस्ट्रेशन में आपकी उतनी फ़ीस जाती है जितनी आपने न्यू एडमिशन के टाइम पर दी थी। री रजिस्ट्रेशन आपका हर ईयर में आपका होगा। मान लीजिए आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन है तो 3 साल की ग्रेजुएशन में आपका 2 बार री रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया उसका सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन, उसके आपका फाइनल ईयर में री रजिस्ट्रेशन। देन सेम ऐसे ही आपका अगर आपने MPS या MHD, मान लीजिए आपने MA का कोई कोर्स लिया, MCOM लिया है, तो वो साल में एक बार पेपर होते हैं, तो उसमें भी री रजिस्ट्रेशन आपका साल में एक बार होगा। ऐसे एक तो फर्स्ट ईयर जब आप एडमिशन लेते हो और जब आप सेकंड ईयर के लिए एडमिशन लोगे तब आपका री रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन में आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है, और इसमें आप अपने नए सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो जो आपको पढ़ने को मिलेंगे, किताबें लेनी है नहीं लेनी ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जनवरी वालों का मैं बता दूंगा, बाकी जुलाई वालों का भी जैसे स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा। अभी जो री रजिस्ट्रेशन चल रहे जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया था जुलाई में, उन सभी का री रजिस्ट्रेशन अभी भी लास्ट डेट एक्सटेंड हो रही है, तो वो करा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।